सपा की प्रवक्ता रही पंखुड़ी पाठक की 1 दिसंबर को शादी। इस पार्टी के नेता की बनेंगी दुल्हनिया। बीते दिनों कांग्रेस विधायक अदिति सिंह की पंजाब के विधायक अंगद सिंह से शादी की चर्चा काफी जोरों पर रही। दोनों ने दिल्ली में गुपचुप तरीके से शादी रचाई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। अब ऐसी ही एक और हाई प्रोफाइल शादी होने जा रही है। यह शादी है समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक की। पंखुड़ी पाठक एक बड़े नेता से शादी रचाने जा रही हैं। जानिए कौन है वो नेता जिससे खूबसूरत और प्रतिभाशाली पंखुड़ी पाठक रचाएंगी शादी और कहां। बता दें कि पंखुड़ी पाठक की शादी समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव से हो रही है। दोनों की शादी 1 दिसंबर को दिल्ली कैंट स्थित वसुंधरा वाटिका से होगी। बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम विवाह है, जिसमें परिवार की रजामंदी है। गौरतलब है कि पंखुड़ी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और अब वे कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट हैं। सपा की प्रवक्ता रह चुकी हैं पंखुड़ी। मालूम हो कि पंखुड़ी सपा की प्रवक्ता रह चुकी हैं, अब कांग्रेस में मीडिया पैनलिस्ट हैं। वहीं अनिल यादव भी राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और अखिलेश यादव के करीबी कहे जाते हैं। नोएडा की रहने वाली पंखुड़ी पाठक दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की छात्रा रही। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उन्हें पार्टी का प्रवक्ता बनाया था। पंखुड़ी पाठक समाजवादी पार्टी से छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। 2010 में हंसराज कॉलेज के चुनाव में उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद का चुनाव जीता। पंखुड़ी पाठक ने साल 2010 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अखिलेश यादव की क्रांति रथ यात्रा में भी हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि दिल्ली में रहने वाली पंखुड़ी पाठक किसी राजनीतिक परिवार का हिस्सा नहीं है। उनके पिता जेसी पाठक और मां आरती पाठक हैं। मां बाप दोनों ही डॉक्टर हैं, वो जो निजी प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए छोड़ी थी समाजवादी पार्टी सपा की मीडिया पैनलिस्ट पंखुड़ी पाठक ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सपा पर अपने समाजवादी सिद्धांतों को छोड़ देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अब वहां रहने से दम घुटता है।